हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैट कनीषा। तो दोस्तों, चकला बेलन भी बना सकता है आपको सुखी और धनवान। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चकला बेलन भी आपको सुखी और धनवान बना सकता है? जी हाँ, वास्तु विज्ञान में इसका जिक्र मिलता है। मान्यता है कि अगर चकला बेलन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये आपके लिए धन संपन्नता का योग बना सकता है। इसके साथ ही ये परिवार के सदस्य में भी अपनी सेह बढ़ाता है। तो दोस्तों, वास्तु विज्ञान के मुताबिक चकला बेलन खरीदते समय भी शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लकड़ी का चकला खरीदने जा रहे हैं तो इसे मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। वही बुधवार के दिन लकड़ी या पत्थर का चकला बेलन खरीदने से लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन इसकी खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक कोशिश करें कि चकला बेलन से रोटी बनाते समय आवाज ना आती हो, लेकिन ऐसा हो तो पहले देख ले कि बेलन में आवाज आ रही है या फिर चकला बेलन में प्रॉब्लम है। अगर दोष चकला बेलन में है तो उसे बिना देर किए तुरंत ही बदल दे। मान्यता है कि आवाज करने वाले चकला बेलन घर में अशांति बढ़ाते हैं और धन हानि होती है। तो दोस्तों, अवश्य ये चीज अवश्य बदले। तो दोस्तों, वास्तु विज्ञान के मुताबिक रात में सोने से पहले चकला बेलन अच्छी तरह से धोकर रखना चाहिए। अक्सर कुछ लोग एक या दो दिन छोड़कर इसे साफ करते हैं। ध्यान रखें कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिवार के लोगों की सेहत पर इसका असर पड़ता है। अधिक से अधिक धन बीमारी पर खर्च होता है, साथ ही साथ ये घर में वास्तु दोष भी पैदा करता है। वास्तु विज्ञान के मुताबिक कभी भी चकला बेलन हमेशा सुखाकर ही रखना चाहिए। साथ ही कभी भी चकले को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा ये घर में वास्तु दोष बढ़ाता है। इसके अलावा कभी भी इसे बर्तनों के बीच में या फिर आटे चावल के रखने वाले डब्बों में या ड्रमों के ऊपर भी ना रखें। तो दोस्तों, इसे धन हानि होती है, साथ ही परिवार में मतभेद भी बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस तरह चकला बेलन आप घर में रखते हैं तो आपके घर में रुपए पैसों की कभी तंगी नहीं होगी, ना ही धन धान्य की कमी होगी। माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बरसेगा। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, चकला बेलन हमेशा इस नियम के आधार पर ही घर में रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी के साथ साथ धन लक्ष्मी के साथ साथ महालक्ष्मी के साथ साथ अन्नपूर्णा माता का भी आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री महालक्ष्मी नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।